हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। कई बार आप देखते हैं कि हम लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा टमाटर खरीद कर ले आते हैं, तो हम ये सोच कर लाते हैं कि बहुत ज़्यादा पका हम नहीं ले जाएंगे, थोड़ा कच्चा कच्चा ही लेते हैं, ताकि एक साथ अगर हम बहुत ज़्यादा पका लेकर आ जाते हैं तो वो ख़राब होने लग जाता है। तो हम इस तरह थोड़ा कच्चा कच्चा ही लाते हैं और हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है पके हुए टमाटर की, जबकि आप इस तरह अगर सर्दियों में रखेंगे तो ये पकता नहीं है। तो इसको जल्दी पकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टमाटर एकदम से पक जाए। जैसे कि हमने आज रखा और कल हमें बिल्कुल ये पका टमाटर मिल जाएगा, तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टमाटर को ले लेना है एक पॉली बैग में, इस तरह रख लेना है। जितने भी टमाटर को आपको पकाना है उतने टमाटर को आप पॉली बैग में ले लीजिए और यहाँ आपको एक गांठ लगा देना है। और अब आपको लेना है जहाँ आप चावल रखते हैं ना, जो भी जिस भी डब्बे में रखते हैं, 5 किलो 10 किलो जो आप चावल रखते हैं अपने घर में यूज़ के लिए, तो इसमें आप अपने इस पॉली बैग वाले टमाटर को रख दीजिए और इस तरह इन्हें अंदर करके आप ढक दीजिए, इस तरह अच्छी तरह इन्हें इसके ऊपर पूरा चावल से इन्हें ढक दीजिए और ढक करके आप अपने डब्बे को इस तरह बंद कर दीजिए। और सुबह देखेंगे आपकी ये टमाटर बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं। आप ये काम आटे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चावल है कि हम धो करके इस्तेमाल करते हैं और आटा है कि हम आटे को हम धो नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आपको पॉली बैग में लेना है। आप आटे में रखें तो आप डबल पॉली बैग में रखें, अगर आप चावल में रख रहे हैं तो सिंगल पॉली बैग से भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपका पॉली बैग फटा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप सिंगल के बजाय डबल ले लीजिए, क्योंकि ये पॉली बैग पतला पतला होता है तो बहुत जल्दी फट भी जाता है, तो इसलिए ये सावधानी आपको रखनी है। वरना मान लीजिए एक्सेस पक जाएगा तो उसका रस हमारे चावल या आटे को ख़राब कर सकता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने जो रखा है अपने चावल में वो कितना अच्छा लाल हो गया है टमाटर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस टमाटर को मैंने एक दिन पहले रखा था उसका कलर कैसा है, यानी कि पूरी तरह पका है या नहीं पका है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा ढका भी नहीं था इसको और कच्चा कच्चा बिल्कुल रखा था। आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर देखिए कितना अच्छा, ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पक गया है। और हमने बिल्कुल इसको कच्चा कच्चा रखा था, ये देखिए इतना अच्छा ये पक जाता है सिर्फ एक दिन में। सर्दियों में ही ये दिक्कत आती है, गर्मियों में तो अगर आप बाहर भी रख देंगे इस तरह बांध करके तो हमारा जो अधकच्चा सा टमाटर होता है वो पक जाता है, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाता है, नहीं पक पाता है। तो इस तरह आप अपने चावल में इसे अंदर डाल करके अपने टमाटर को अच्छे से पका सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार फ्रेंड्स, हम बादाम का पैकेट खरीद के लाते हैं और बाहर हम रखते हैं, खोल देते हैं अगर घर में यूज़ नहीं हुआ ये और बाहर रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि ये ख़राब होने लग जाता है। काजू, बादाम, इस तरह की चीज़ें, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पैकेट खरीद के लाई हूँ, और बाहर रख देने के बाद में ये ख़राब होने लग जाता है। तो इसे किस तरह आप रखेंगे कि ये ख़राब नहीं होगा, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने बादाम को हल्का सा रोस्ट कर देते हैं, बिल्कुल हल्का सा, 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप इसे रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि हल्का सा भून लेते हैं, तो आप देखेंगे एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और दूसरा ये ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा आप ले आए हैं और इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करके फिर आप किसी डब्बे में ठंडा करने के बाद में इसे एयरटाइट डब्बे में रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी।